अलैक जी टुडे वी आर गोइंग नाइन आई एफ एस नाइन फ्रेंच इंस्ट्रोमेंट्स इसके तीन लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं तो आज हम इसका uh, लाइव क्लास कर रहे हैं तीस चौथी लाइव क्लास हम लोग कर रहे हैं इसके आज तो इन शशि करेंगे जिसको आज खत्म करेंगे और नेक्स्ट uh, टाइम जो है वो uh, uh, जो है अगला चैप्टर चैप्टर नंबर अलेवन जो है वो ट्राइम बेनिफिट्स पे जो है उसको स्टार्ट करेंगे हम तो आज का लेक्चर जो है लास हमने लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर नाइन जो है कम्प्लीट कर लिया था तो अब जो है चैप्टर नंबर टेन से जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर टेन जो है वो है फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोयर तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे आई एस टू की बात करेंगे कुछ इफेक्ट देखेंगे हम इसमें पे

हमें कैसे क्लासीफाई करना है या तो उसको लाइब्रेरी बनाना है या उसको अपने इक्विटी बनाना है हमने फाइनेंशी इंस्ट्रोमेंट शुरू किया वो आपको देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर इसको हमने लाइब्रेड बुक करना है या उसको इक्विटी बुक करना है दिस क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन फॉर्म अब यहाँ बात करता है कि आपने सब्सटेंस द फॉर्म पर जो है बात करना है कि सब्सटेंस को देखना है सब्सटेंस क्या होता है ओवर द फॉर्म लीगल फॉर्म क्या होती है तो ये जरा थोड़ा सा मैं आपको आपको पता तो है लेकिन फिर भी मैं हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होती है ठीक है जी हम बात करने लगे हैं आज क्या डेट है आज डेट है हमारे पास सेवन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी हम बात करने लगे जी सब्सेंसर लीगल फॉर्म तो मैं आपको जैसे ये कैटे देने लगा आपको आपको आइये तो होगा सबसे क्या होती है जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है क्या देखें ये एक बंद एक एक कंपनी है एबीसी कंपनी है इसने क्या किया इसने एक गाड़ी जो है वो हायर परचेज कराई वहीकल जो है इसने एक कार को जो है ये लेके आया थ्रू हायर परचेज ठीक है जी ये हायर परचेज इसने एक गाड़ी ली अब ये क्या करता है ये कहता है जी गाड़ी जो है मेरे इसका नाम जो है लीगल टाइटल जो है इसका नाम यह था लेकिन गाड़ी इसके पास आ जाती है अब ये क्या रहा ये कर रहा है ये गाड़ी को यूज़ कर रहा है ठीक है जी गाड़ी की डेपेशन जो है वो भी चार्ज कर देता है कि जी मैं गाड़ी यूज़ कर रहा करो डेपन इस गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह जो है वो भी ये कर रहा है इस गाड़ी का जो पेट्रोल एक्सपेंसिस है ठीक है जी इसने इसको रेंट पे भी दिया हुआ अगर अगर इसको रेंट पे दे देता है तो रेंटल भी ये खुद लेता है तो सारे काम खुद कर रहा है लेकिन ये क्या कहता है ये इसको जब हम कहते हैं यार इसको एसेट बुक करो तो एसिड बुक नहीं करता ये कहता है ये एसेड क्यों बुक करूँ गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है मैं एसेड बुक नहीं करता ये तो हाई प्रचेस पे था। ये था। ये था है मेरे पास अभी ट्रांसफर नहीं हुई जब ट्रांसफर होगी मैं इसका एसेट बुक करूंगा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि देखें सर सब्सेंस क्या है सब्सटेंस क्या है हकीकत क्या है हकीकत ये है कि गाड़ी आप ही की है और लीगल फॉर्म क्या है लीगल फॉर्म क्या है कि आप इसके ऑनडर नहीं है तो यहाँ पे आपने आपकी जो हकीकत है उस पर आप जो बेस करते हुए आप गाड़ी का जो है वो एसेट बुक करेंगे इसको बोलते हैं सबसे सफरद सब आप लीगल फॉर्म को जो है वो सुपरसीड करेंगे अब ये नहीं कहेंगे जनाब गाड़ी मेरे नाम पर नहीं मैं एसेट बुक नहीं करता बाकी सारे बेनिफिट नेस्ट के लूंगा सारे खर्चे करूंगा सारे डेपोजिट चार्ज करूंगा मैं रेंट पे दूंगा तो मैं रेंटल इनकम इन्जॉय करूंगा लेकिन मैं इसको एसेट बुक नहीं करूंगा क्यों क्योंकि लीगल फॉर्म मेरी नहीं है मेरे है ही नहीं लीगल फॉर्म क्या लीगल फॉर्म तो ये है कि जो ऑनर जो उस, उसका है जब हायर परचेज की किस्से खत्म हो जाएगी तब ये मेरा ट्रांसफर होगी तब मैं इसका एसेट करूंगा तो यहाँ पर स्टैंड कहता नहीं आपने सबसे आपने रियलिटी पे चलना है, है। सबसे क्या है रियलिटी हकीकत क्या है रियलिटी क्या है कि आप ही ऑनर हैं लीगल टाइटर आ जाएगा आपका जब जबकि किस्से पूरी होगी तो इसको बोलते हैं सबसे समर्थन फॉर्म तो स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड जो है वो सब्सेंस अवर्ड फॉर्म पे चलता है।, है कि आप हकीकत में एसेट आपका है तो आप इसको एसेट बुक करेंगे आप इसके लीगल फॉर्म पे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे वही बात आपसे कर रहा है कि आपने क्या करना है आपने कहना है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन लीगल फॉर्म तो आपने सब्सेंस के ऊपर डिसाइड करना है कि ये आपकी इक्विटी है कि आपकी लाइब्रेटी है ठीक है जी उसका कहता था फाइनेंशियल लाइब्रेटी लाइब्रेटी वेयर द हैज ऑब्लिगेशन दर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए

ठीक है जी तो आपने अगर कैश देना है कैश में सेटलमेंट करनी है आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट करनी है ठीक है जी फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसड देना है या आपने प्रोडेश अनफेवरेबल बात करनी है आपने तो आप कहेंगे आपकी लाइब्रिटी है अदरवाइज इक्विटी होगी

कॉन्ट्रैक्ट अभी इक्विटी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है दैट ऑफर द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द एसिड रेजिडुअल क्या जो बच गया बचा कुछ लेकिन हमने बात की ना अभी लिक्विडेशन पे क्या होगा सबसे पहले हम एसिड सेल करेंगे फिर लेबरिटी पे करेंगे अगर कुछ बच गया तो दे देंगे नहीं बचा तो नहीं देंगे द कंपनी आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल द लेबिलिटीज ठीक है जी कहता है रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिपोर्टेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज इज अ लेबिलिटी

तो यहाँ पे आप क्या बात कर रहा है वो कह रहा है, है आपकी इक्विटी से वो आपके कहा जाएंगी वो सीमेंट चेंजेस इक्विटी में, में जाएंगे अब बात करता है जी प्रेफरेंस शेयर आपके डेप्ट या आपकी इक्विटी है अब आप नहीं देखना है आपके वो आपकी क्या चीज है कहता है of 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 dividend dividend usually a fixed amount of each year before the 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 ordinary ordinary shareholder can be paid any any or that that rank rank, that, uh, rank ahead of ordinary shares of any distribution of net assets in the event of winding of company जब कंपनी होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी पहले इनको पेमेंट की जाएगी अगर उसके बाद जो बचेगा वो ऑर्डनी शेयर होल्डर को दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड द फॉलिंग टाइप इसके टाइप्स क्या है

वो बाद में जो है 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 वो शेयर में हो जाएंगे 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 ठीक जी तो का यहां पे ये क्या बन जाएंगे? शेयर बन जाएंगे इसको आप कहेंगे ये शेयर तो ये तीन टाइप की आपकी जो है वो हमने डिस्कस की यहाँ पेबल रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल अब बात करता है क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को किस में क्लासिफिकेशन करना है उसको या तो आप कहेंगे ये इक्विटी है या आप कहेंगे वो फाइनेंशियल तो आप आप इसको इसको दो चीजों में क्लासिफाई करना है अगर आप कहेंगे इशू किए लाइब्रेड है तो आप लाइब्रेरी के प्रोशन में शो करेंगे अदरवाइज आपको इक्विटी के प्रोशन में शो करेंगे कहते हैं तीसरी कंपाउंड भी होता है कंपाउंड शियल इंस्ट्रोमेंट भी होता है कंपाउंड क्या होता है हमने बात की इक्विटी होगा या लाइब्रेरी होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो कहता में कहता है है कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी या तो वो उसमें लाइब्रेरी की खूबी भी होगी और उसमें इक्विटी भी होगा मैंने दस हजार के उसके अंदर हो सकता है पांच हजार इक्विटी क्यों पांच हजार लाइब्रेरी क्यों कंपाउंड कराएगा कि इसमें जो मैंने नंबर प्रेफरेंशियल इशू कर दी है आपको उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं या तो आपको मैं कुछ आपको पे कर दूंगा या मैं आपको क्या कर दूंगा हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल की तो प्रेफरेंस शेयर इस किस्म के हैं इसमें से आधे प्रेफरेंस या वन थर्ड या वन फोर्थ जो भी रेशियो होगी मैं आपको कैश में पे करूंगा बाकी मैं आपको अपनी कंपनी को ऑर्डनी शेयर पे कर दूंगा उसको बोलेंगे ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आई सट दैट इन अ गाइडेंस नोट दैट द की फैक्टर फॉर क्लासिफाइंग प्रेफरेंस शेयर्स इन द एक इज द एक्सटेंट टू विच द एंटिटी इज ऑब्लाइज टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशंस इज मैंडेटरी since The 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 issuing entity will be required to redeem shares. shares There is an obligations. The shares are classified. तो obligation कि उसने कहा है कि मैं redeem करूंगा तो उसका अगर ये रिडीम आपने करनी है तो आपकी obligation, obligation आ जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका लाइब्रेरी हो जाएगा अगर तो redemption एज द choice ऑफ द होल्डर हो

होल्डर वो था जिसको कंपनी ने इशू की है उसके ऊपर होल्डर दूसरी पार्टी है थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को ऑप्शन दी हुई आपने कि आप आए हमारे पास और हम, हमें बताएं कि आपने क्या करना है आपको कैश चाहिए तो हम कैश दे देंगे आपको शेयर चाहिए तो हम शेयर दे देंगे तो इस सूरत में क्या होगा इस शेयर में भी कंपनी की ऑब्लिगेशन होगी कि कंपनी ने आपको जो है वो, वो आपके हिसाब से आपकी विल पे जो है वो कन्वर्जन uh, करनी है तो उस पर भी क्या है कंपनी आज जो है वो लाइब्रेरी बुक करेगी

तो वो क्या बन जाएगा वो आपका इक्विटी बन जाएगा तो अब कंपनी क्या करेगी कंपनी इसको इक्विटी बुक करेगी तो ये तीन कंडीशन थी हमारे पास एक कंडीशन पहले क्या थी कि मैंडेटरी रिडम्पशन है वहाँ पे कंपनी की लाइब्रेरी है और ऑब्लिगेशन है वो लाइब्रेरी बुक करेगी फिर हमने चॉइस जो है वो होल्डर को दे दी है कंपनी ने कि भाई आपकी मर्जी आप आगे कहो कि आपको कैश चाहिए या शेयर चाहिए तो ऐसे सूरज में भी है जो कंपनी जो है वो आज जो है वो लाइब्रेरी बुक करेगी क्योंकि उसकी अपल्लिकेशन है और फाइनली अगर ऑप्शन मैंने कंपनी अपने पास रख लिया है कि भाई मेरी मर्जी है मैं आपको कैश दूंगा या मैं आपको शेयर दूंगा

बिकॉज इंट एमेंट ऑफ बोथ इसके अंदर दोनों एलिमेंट हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी को कि वो क्या करे इसको जो है वो लाइब्रेरी बुक करे या इसको एसेट बुक करे सॉरी लाइब्रेरी बुक करे या इक्विटी बुक करे ठीक है जी तो क्या होगा एन एग्जाम्पल क्या है ए कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इज द कन्वर्टेबल बॉन्ड एक बॉन्ड इशू कर दिए डिपेंचर इशू कर दिए और उसमें ऑप्शन दे दी कि आप चाहे तो कन्वर्ट करा लें चाहे तो ना कन्वर्ट ना कराए कैश में पेमेंट कर लें द कंपनी इशूज

स्टेट बाउंड विद द सेम रिस्क प्रोफाइल दिस इज बिकॉज दट नॉर्ट कन्वर्जन नॉर्मली अलाउड दू कट दिन शेयर एट द रेट दाइज अब क्या हुआ कि उसने उसने क्या करना है उसने क्या देखो जी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो वो दस परसेंट चल रहा है ठीक है लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप आए तो मैं इसको आपको शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो क्या करूँगा मैं जब आपको ऑप्शन में दूंगा तो मैं क्या करूँगा मेरी रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूंगा अगर मार्केट रेट अच्छा दस पर चल रहा है और मैं आपको कन्वर्टर पर बाउंड इशू करता हूँ मैं उससे मार्केट रेट जो है इंक्रीज कर देता हूँ ग्यारह परसेंट कर देता हूँ कि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है वो इसके अंदर तो जो है इम्बेडेड है ठीक है जी तो इसकी वजह से ये है ये कंपाउंड हो गया है यहाँ पे वर्ड आया कॉल ऑप्शन का तो ऑप्शंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ऑप्शन दो तरह की होती है हो या कॉल ऑप्शन होगी या पुट ऑप्शन होगी थोड़ा सा मैं दो मिनट लूंगा तो आपको बताऊँ कि ये थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ ये ऑप्शन जो है वो क्या होती हैं यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो है वो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है वो कहता है एक इसमें बायर होगा एक इसमें सेलर होगा अब जो बायर होगा ना उसकी हमेशा उसके पास राइट्स होंगे क्यों उसने बेचारे ने प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम पे करके ऑब्लिगेशन को ले नहीं सकता तो यहां पे क्या होगा इसके पास राइट्स होंगे और ये भाई साहब जो है के पैसे लेने प्रीमियम लेना है तो इनकी ऑब्लिगेशन होगी ठीक है थी? तो ये हमेशा याद रखें सिंपल क्या है कि जिसने राइट जिसने पैसे देने हैं प्रीमियम देना है उसके पास राइट्स होंगे वो कभी ओब्लीगेशन नहीं लेगा कि मैं पैसे भी दूँ मैं ओब्लिगेशन भी ले दूँ तो इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि भाई मैं 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 मैंने होल्डर हूँ मैंने आपसे ऑप्शन ली है मैंने आपको प्रीमियम पे किया जो बंदा प्रीमियम पे कर रहा है उसके पास हमेशा राइट्स आएंगे उसके पास ओब्लिशन कभी नहीं आएगी ठीक हो गया जी अब यहाँ देखिए अगर अगर आपके पास कॉल ऑप्शन आती है अगर ये ऑप्शन कॉल ऑप्शन है तो मेरे पास राइट्स क्या आएंगे क्या मेरे पास क्या राइट्स आएंगे मेरे पास राइट्स आएंगे कि मैं बाय करने के और मैं आपसे बाई कर रहा हूँ तो आपके पास ऑब्लिगेशन क्या होगी कि आप सेल करेंगे और जब मेरे पास राइट्स आएंगे कि मैंने आपको सेल करना है तो आपके पास क्या राइट्सन आएगी आपने बाई करना है इसको आप क्या बोलते हैं इसको आप बोलेंगे तो इसको हमेशा सिंपल मैंने बताया कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि कॉल ऑप्शन क्या है तो पुल ऑप्शन क्या है हमेशा आप याद रखें कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो दोनों में क्या है जिस बंदे ने प्रीमियम पे करना है उसके अंदर सिर्फ राइट्स ही लेने और जिसने प्रीमियम लेना है उसकी ओब्लिकेशन बन जाएगी अब कॉल ऑप्शन में क्या है आप देखिए यहाँ पे क्या होता है आप, आपको ऑप्शन कब आएगी आप इसको अडॉप्ट कब करेंगे बायर कब अडॉप्ट करेगा जब मार्केट वैल्यू क्या होगी मार्केट वैल्यू हायर होगी अब मैंने आपसे ऑप्शन ली मैंने आपसे शेयर लिए कंपनी से अब मुझे कंपनी आपको मैं कहता हूँ कंपनी मैंने आपको जो है कंपनी जो है शेयर सेल कर दे कब सेल करूंगा जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगी सॉरी बाई करने मैंने आपसे शेयर मैं पहले पर बाइक बाई मैंने मेरे कंपनी से शेयर बाई करने है मैं मैं तो मैं कब बाई करूंगा जब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी मैं आपसे कम वैल्यू परचेस करूंगा और मार्केट में जाकर सेल कर दूंगा हायर प्राइस पे तो मुझे फ़ायदा होगा तो उसमें कॉल ऑप्शन में क्या होगा जब बाइक बाई के ऑप्शन मैंने आपसे लिए तो मैं तभी बाई करूंगा जब रेट्स मार्केट की प्राइस ज़्यादा होगी मैं आपसे कम पर परचेस करके ज़्यादा मैं सेल कर दूंगा

क्या हो रहा है पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है हमेशा आपको जो जो होल्डर है उसको राइट दिया जाता है, है कि वो जो है वो बाई करेगा शेयर और उसकी अपलिकेशन होगी कि वो सेल करेगा और पुट ऑप्शन में क्या होगा वो उसके पास ऑप्शन होगी कि वो पुट ऑप्शन में जो है वो बायर जो है वो सेल करेगा और वो जो सेलर है वो बाई करेगा अब यहाँ देखें अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ आई एफ आर एस फिफ्टीन को तो आई एस फिफ्टीन क्या कहता है वो कहता है यार देखो जब आपने पुट ऑप्शन दी हुई है

तो यहाँ पे उसको वो उसको आपको सेल बुक करने नहीं देता है आई फिफ्टीन ठीक है जी जैसे एक आपके थोड़ा सा मैंने टच किया कि आई फिफ्टीन जो है वो बताता है कि पोर्ट ऑप्शन में जो है वो जो है वो सेलर जो है उन्होंने चीज़ सेल तो कर दी है लेकिन उसको उसके जो ऑब्लिगेशंस उस है वो कभी भी आपसे राइट्स ले सकता है कि आपसे ये राइट आपको ले ले अब मैं आपसे चीज़ बाई कर लूंगा बाद में तो वो जब आप अब राइट राइट ले लेगा बाई करने का सेलर आपसे तो वहाँ पे एफएस कहता है कि यार जिस राइट्स हैं किस टाइम आप चीज़ वापस बाई बैक कर सकते हो तो वो आपको अब आप कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपको सेल बुक नहीं करने देता है एफ आई सी टी चलो ये सचोता है मैंने आपको ऑप्शन का आइडिया देना था कि आपको अगर देखना हो ऑप्शन कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन हैं तो वो मैंने जैसा आपको थोड़ा सा रिकॉल किया ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जरा माइंड चेंज की थी चलो ये आगे चलते हैं Split accounting for compound instruments. Split accounting of the compound instrument, the credit entry of the financial instrument must be split into two component parts equity on.

रेजिडुअल आफ्टर टर्मिंग द प्रेजेंट वैल्यू वो कहता है कि हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है तो वो कहते हैं इक्विटी जो, जो है वो आपको रेजिडुअल करना यानी कि आपको बैलेंसिंग फिगर पे इक्विटी लेके आनी है तो आपको जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने इक्विटी कैलकुलेट नहीं करनी आपने कैलकुलेट कैलकुलेट कर, करना है आपने लाइब्रेरी कैलकुलेट करनी है जब आप लाइब्रेरी कैलकुलेट कर लेंगे आपको टोटल पता है टोटल कैश कितना आया टोटल कैश आपने कहा मेरे पास करें सो आया तो सो जब कैश आया तो मैंने लाइब्रेरी कैलकुलेट मैं की मैं लाइब्रेरी कैलकुलेट की मैं लाइब्रेरी जो है वो नाइन्टी है तो वो कहता है बाकी जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा आपका इक्विटी होगा जी वो बात कब से कहा इक्विटी जो है वो आपसे आपने आप कैलकुलेट नहीं करेंगे वो आपका बैलेंसिंग फिगर पे आएगा तो आपको लाइब्रेरी कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी वो आपका स्टैंडर्ड बताएगा कि लाइब्रेरी कैसे कैलकुलेट करनी है कहता है जी आगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट वो कहता है जो प्रेजेंट वैल्यू है जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी लाइब्रेटी है किसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिडम्पशन तो आप क्या करेंगे आप आपने एक्सपोज करेंगे तीन साल का बॉन्ड लिया है तो तीन साल तक आप उसके इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपकी तीन साल की कैश फ्लो आ गई उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे फिर रिडम्पशन पे आपने आपको जो हंड्रेड परसेंट आपने सौ रुपये का जो बॉन्ड दिया है वो सौ रुपये आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी रिडम है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसकी भी आज प्रेजेंट वैल्यू लिया है तो उन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपकी जो है वो लाइब्रेटी वैल्यू होगी तो टोटल कैश जो आपने रिसीव किया उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे बैलेंस आपका क्या आ जाएगा वो आपका इक्विटी आ जाएगा

अब डेबिट क्या करना है या डेबिट आपने फाइनेंशियल लाइब्रेरी करनी है या आपने इक्विटी करनी है डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द जो आपने ऊपर जो रेशियो कैलकुलेट किया उस रेशो में तो जो है आप लाइब्रेरी को कम कर लेंगे और इक्विटी को कम कर लेंगे और आपका कैश कैट हो जाएगा अपने एक्सपेंसिस पे कर दिए ठीक है जी सिंपल है अभी इसके अगर इन्वेटेस भी आ जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि आपने ये पोर्शन ये ये कैलकुलेशन कैसे करनी है तो सिंपल इज दैट जितनी आपकी प्रोसेस आई है उसमें आप लाइब्रेरी का जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे जो किसी आपकी फ्लो होगी कैश फ्लो क्या आपके इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है और उसके बाद आपने जो प्रिंसिपल पे करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है वो आपकी लाइब्रेरी है से मैनेज करेंगे और आपका इक्विटी आ जाएगा कमेंट्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट्स तो कहता है कि मेजरमेंट हमने कैसे करनी है इसको आप देख लें द प्रोसेस स्टार्ट बाय ड्राइविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी लाइब्रेरी की फेयर वैल्यू देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम ऑलरेडी बात कर पीछे कर चुके हैं कि फेयर इनिशियली जो है लाइब्रेरी का फिर कैसे बुक होगी हो वो फेयर वैल्यू पे बुक होगी और फेयर वैल्यू क्या होती है हमेशा स्नाइडर कहता है जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वही लाइब्रेरी की जो है फेयर वैल्यू है राइट ऑन द अजम्पशंस दैट द बॉन्ड हैज नो कन्वर्जन राइट एंड द एंड इज स्टेट फिक्स रेट बॉन्ड दैट विल बी रिडीम्ड एट पार एट मैच्योरिटी If the company had sold a bond Uh, with identical features but with no converger rights, how much could it have been sold for? The, to answer these questions, it is necessary to recognize the fair value of the bond in simple the present value of the future cash flows of the bond will generate discounted at the market rate of interest, which is flowing its in person. Okay, they can simply present value fair value. कि अगर आपको नहीं पता फेवर वैल्यू क्या है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी फेवर वैल्यू हो जाएगी उससे जो है आप लाइबरी आप बुक कर लेंगे अब यहाँ जो बात करता है आपसे इंटरेस्ट एलिमेंट की इंटरेस्ट जो है आपने हमेशा मार्केट इंटरेस्ट लेना है मार्केट इंटरेस्ट क्या होता है अब सपोज कर मेरी कंपनी में आपको सिंपल तरीके से क्या चीज होती है होता ही है कि मेरी कंपनी है मेरी कंपनी ने एक लोन लिया हुआ है जो मार्केट से उठाया हुआ है जो दस परसेंट पे है राइट अब ये दस परसेंट है यही आपका आई आर आर है आपको आई आर आर जरूरत नहीं है मैं मेरी कंपनी स्पेसिफिक कंपनी है मेरी कंपनी को अगर बैंक जाता है बैंक उसको दस परसेंट लोन देता है तो वही मेरा आई आर आर है उसी पर मैं जो है ये कन्वेशन सारी करूंगा अगर अगर मैंने कोई लोन नहीं लिया हुआ तो फिर मुझे आई आर की जो है वो कैलकुलेट करना है अदरवाइज सिंपल इज दैट जो मैंने जिस रेट पर मैंने लोन लिया हुआ है वही मेरा आई आर आर है उस पर मैं ये सारी कलेशन करके अपनी पैसे कर लूंगा ठीक है जी तो जो मेरी बैंक बोरिंग है जो मेरी बैंक बोरिंग रेट है वही जो है मेरा आई आर आर है उसकी प्रोसीड हुई तो ये दस मिलियन क्या है? ये हमारी प्रोसीड है आज हमें दस मिलियन मिला और हमने कहा हम आपको क्या करेंगे हर हर साल जो है हम आपको छह परसेंट से इंटरेस्ट पे करेंगे दस मिलियन का छह परसेंट कितना है आपका वो आपको इंटरेस्ट हर, हर साल जो है मिलेगा द बॉन्ड इज इज रिडीम एट पार आफ्टर फोर ईयर तो चौथे साल चार साल बाद जो है हम आपको जो है वो दस बिलियन देंगे तो चार साल तक हम आपको क्या देंगे चार साल तक हमको इंटरेस्ट देंगे उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे हम उसको प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे हमने कहा आपको इंटरेस्ट मिलेगा छह परसेंट चार साल तक उस चार साल का फैक्टर लगाएंगे दस परसेंट आठ परसेंट क्या है ये आपका आई आर आर है तो इसको आप यूज करेंगे डिस्काउंट फैक्टर आप चार पर, चार साल की एन्यूटी लगाएंगे और आपकी कैशफू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू आज की कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है उसके बाद आपने चौथे साल क्या होगा चौथे साल आपको हम दस परसेंट जो आपका मैं जो आप वापस करेंगे तो ये आपको फोर्थ ईयर का जो है आपका डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे एट परसेंट पे तो हम कहेंगे ये जो है टोटल आपका ये टोटल आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है लाइब्रेटी की तो ये क्या है ये आपकी लाइब्रेटी है प्रसिड कितना हुआ प्रोसीड आपका हुआ टेन मिलियन तो इसका डिफरेंस क्या हुआ डिफरेंस आपका इक्विटी हो गया ये आपका इक्विटी है तो आप अपनी आपने टोटल प्रेसमेंस से आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइनस की जो आपकी लाइबिलिटी थी तो इसको मैं कहूँगा ये आपकी लाइबिलिटी है और ये आपकी इक्विटी है ठीक है जी इसकेट्री कैसे पास करेंगे आप कहेंगे कैश प्रोसीड आपकी आगे लाइब्रेटी क्रेडिट हो गया बाकी बैलेंसिंग बैरनस, फिगर जो है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है इस पर आपने क्या किया अपनी अपनी इक्विटी बुक कर ली ठीक है जी तो ये आपका एक उसने आपको बताया कि सिंपल क्वेश्चन सेप्ट से आपने कैसे आप कैलकुलेट करना है आपकी लाइब्रेटी कितनी है और आपकी इक्विटी कितनी है बात करते हैं जनाब द लाइब्रेरी कंपोनेंट इज मैर अब लाइब्रेरी कम लोग कैसे मैयर करेंगे तो एमवर्टाइज कॉस्ट पे करेंगे ए एम सी पे करेंगे हमने ऑलरेडी बात की थी कि लाइब्रेरी दो तरीके तो से होती है या तो एडवरटाइज कॉस्ट पर होती है या फेवरे पेनल होती है और फेवरथ पैनल जो है वो हमने कहा था कहासेप्शन केसेज हैं नॉर्मली जो है हंड्रेड परसेंट आप समझ लें कि हंड्रेड परसेंट ये जो है वो इसी पे होती है वो कुछ एक्सट्रेक्शन केसेज हमने पढ़े पढ़ेंगे पीछे आप पिछले लेक्चर देखने का आपको मिल जाएगा तो आप क्या कहें मोटाइज कॉस्पे मोटाइस पर कैसे लेके जाएंगे अब आपने क्या निकाला आपने लाइब्रेरी की वैल्यू निकाली तो इस वैल्यू से आप क्वेश्चन को, मोटाइजेशन को शुरू करेंगे यहाँ से इसको आप स्टार्ट करेंगे और इसमें आप ऐड क्या करेंगे आप ऐड करेंगे इसमें इंटरेस्ट जो आप पी एंड्रेड को चार्ज करेंगे ये इंटरेस्ट कहाँ चार्ज होगा यह पी एंड्रेड को चार्ज होगा एट परसेंट जो आपका आई आर रहा है और जो आपने पे किया है वो उसमें से माइनस कर देंगे आप ठीक है जी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बन जाएगा फिर इसमें आप इसी तरह जो है इंटरेस्ट जो है ऐड करते रहेंगे और इसमें आप जो है वो जो पेमेंट है वो माइनस करते रहेंगे आपको क्लोजिंग बस आ जाएगा वो एंड पे जो कितनी आपने लाइब्रेड पे कर दी वो टेन मिलियन एंड पे आपके आ जाएगा अब क्वेश्चन ये आया कि टेन मिलियन जो हमने पे करना था वो हमारी तो हमारी वो एमार्ट शेड्यूल में तो वही वैल्यू आ गई है अब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या देंगे हम इस लाइब्रेटरी को डेबिट कर लेंगे दस मिनट कैश को क्रेडिट कर देंगे अब क्वेश्चन ये आया कि इक्विटी जो हमने रखी हुई है इसका क्या करेंगे री तो हमने की हमने क्रेडिट क्रेडिट बुक किया इस वैल्यू से और ये वैल्यू जो है डेबिट कि कर तो करके टेन मिलियन खत्म कर लिया इसकी कहानी तो खत्म हो गई लेकिन ये जो कहानी भी चल रही थी हमने जो इक्विटी बुक की थी उसकी कहानी क्या उसको क्या करें तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसको, इसको को जो आप डेबिट करें इक्विटी को और रिटेन अनी को क्रेडिट कर दे ठीक है जी यहाँ देखें

और आप डेबिट कर देंगे इक्विटी को किस वैल्यू से जो आपकी वैल्यू आ रही है सिक्स इज टू एट हंड्रेड तो ये आपकी एंट्री एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो है आप ये एंट्री पास कर देंगे ठीक हो गया जी तो ये एंट्री उसने बना दी उसने पहली एंट्री किया ये द रिपेयर जब आपने रीपेमेंट करनी है तो आपने किया लाइब्रेरी आपके टेन मिनट में पहुंची हुई है आपके एमर शेड्यूल में अब उसको डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे इक्विटी रेलिवेट जो आपने इनिशियेटिव डाली थी उसको डेबिट करके आप रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे एंड जब अगर कन्वर्जन जब होगी अगर ये कन्वर्जन हो जाए पहले मॉशन कहती थी आप पेमेंट हो जाए लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा वो कहते हैं आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे लाइब्रेरी को डेबिट कर देंगे टेन मिनट लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी और आपने जितने का शेयर इशू किया है शेयर कैपिटल क्रेडिट करके प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे और जो आपका लाइब्रेरी कंपनी पड़ा था तो उसको एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे तो आप दोनों में आपको बता दिया है कि पेमेंट की सूरत में ये एंट्रीज होंगी और अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस सूरत में एंट्री ये होगी पेमेंट में सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे कैश किया है और यहाँ पे क्या हुआ हमने उसको शेयर इशू किए हैं बाकी बाकी एंटिया सेम है ये ये वाली एंट्री सेम है ठीक है जी और यहाँ पे हमने क्या किया कैश की जगह हमने कन्वर्जन में शेयर इशू कर दिए है जी। आगे जी बात करता जी आ एक है इसमें प्रैक्टिकल आया, है। इसको मिलियन तो ये प्रोसीजर आपकी आपके पास कैश कितना आया टू मिलियन आया कब आया फर्स्ट जनवरी 2005 को आया द बॉन्ड इज रिडीम एंड थर्टी फोर्ट दिसंबर दो हजार सात तीसरे साल बाद जो है होनी है। कैश एंड कैश विद द नॉमिनल वाली वन पॉइंट टू बिलियन वो कहता है इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको शेयर इशू करेंगे वन पॉइंट टू बिलियन के अगर कन्वर्ट किया तो द अमाउंट पे इंट्रस्ट पाँच परसेंट जो है आपको कैश पेमेंट होगी और उसका जो आई आर आर है वो उसका नाइन परसेंट है तो पे एन आर को आप क्या चार्ज करेंगे आप जो चार्ज करेंगे नाइन परसेंट चार्ज करेंगे और आपका जो कैश पेमेंट अच्छा ये देखें अब यह फर्क क्यों होता है आप देखें फाइव परसेंट और नाइन परसेंट क्यों हो रहा थोड़ा क्यों है थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आया कि यार नाइन परसेंट क्यों कर रहे हैं हम रहे है? हम पाँच परसेंट क्यों नहीं करते जब हमने पे पाँच परसेंट करना है जब हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस पाँच परसेंट हो रहा, रहा है तो हम नाइन परसेंट क्यों हैं तो उसकी वजह यह है कि जो आप इस देखें आप आपका जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट शामिल नहीं है उसके अंदर रिस्क भी शामिल है उसके अंदर क्रेडिट रिस्क है उसके अंदर जो है वो भी आगे रिस्क बढ़ने वाले हैं अगले अगले थोड़े से थोड़ी देर बाद तो वो सारे रिस्क जो है वो कवर करने हैं हमने इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन हो जाएगी तो सब चीज़ें कवर करनी है वो कवर करने के लिए क्या करने वो हम इसको जो है ना वो रेट इंटरेस्ट होता है इंक्रीज हो जाता है हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमने दूसरे रिस्क भी जो है वो कवर करने हैं ठीक है जी तो वो इसलिए जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और पी एन डी को एक्सपेंस ज्यादा चार्ज होता है सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होता है इन्फ्लेशन वगैरह भी चार्ज करनी है आपने आपके जो रिस्क है इसके अंदर वो भी आपने चार्ज करना है तो वो इस वजह से जो है आपका आई आर जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है अब वो कहता है जनाब क्या करें कैलकुलेट द लाइब्रेज इक्विटी पोर्शन अब इसमें कैलकुलेट करें कि इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी कितनी है और इसके अंदर आपका इक्विटी कितना है पहले पहले आप ये कैलकुलेट करते हैं फिर क्या करें कंस्ट्रक्ट द नेसेसरी जनरल इनिशियली अपने कैंट्रीज पास करनी है वो बता दें फिर कंस्ट्रक्ट एमोटाइजेशन टेबल आपने उसका एमोटाइजेशन शेड्यूल बना दें और फाइनली क्या कहता है फाइनली कहता है जनरल एंट्री टू तो रिफ्लेक्ट द पॉसिबल कन्वर्जर अगर कन्वर्जर हो जाए आपके एट द एंड ऑफ द डे तो आप कैसे एंट्रीज पास करेंगे तो वो आप बता दें ठीक है जी तो इसकी सोल्यूशन यहीं से डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सी है तो यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है तो ये लीजिए सोलूशन देखें जी तो पहले ही बात क्या हुई स्प्लिट करें इसको लाइब्रेरी को स्प्लिट करने के लिए हमने क्या कहा हमने कहा जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कैश फ्लो क्या थी कि हमने जो है इंटरेस्ट देना है पाँच परसेंट और हमने क्या करना है एट द एंड ऑफ द डे जो है टू मिलियन प्रिंसिपल पे करना है उसके हमने जो है आई आर आर मेरे का नाइन परसेंट है तो उसको इसको जो है नाइन परसेंट जो है इसकी हम जो है वो वर्किंग करेंगे और नाइन परसेंट के हिसाब से इसकी हम डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे और ये हमारी जो है लाइब्रेरी पोर्शन इसका कैलकुलेट हो जाएगा इसको प्रोसीड से माइनस करेंगे प्रोसीड हमारी ये थी ये हमारे कैश आया था तो बाकी पोर्चन जो आपका इक्विटी पोर्शन आ जाएगा एंट्री क्या बस हो जाएगी कैश आ गया और किस में कन्वर्ट हो गया लैबोरेटरी और इक्विटी में कन्वर्ट हो गया एमर्जेंसी शेड्यूल बनाएं ये जो आपकी लाइब्रेरी है इससे एमरजेंसी शेड्यूल बनाएं आप इसको ओपनिंग बैलेंस रखें और ओपनिंग बैलेंस रख के आप इसको तीन साल का शेड्यूल बना लें इसमें आप जो एक्सपेंस करना है पी को नाइन के हिसाब से वो ऐड कर लें और जो पेमेंट करनी है वो माइनस कर दें आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा वो अगले साल ओपनिंग बन जाएगा और द एंड ऑफ द क्या है आपका टू मिलियन आ जाएगा जब टू मिलियन आ जाएगा तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे ठीक है जी लाइब्रेरी ख़त्म हो जाएगी आपकी अगर आप कैश पे करेंगे इसमें उसने इसने कुछ कन्वर्जन की बात की आपसे तो वो कहते हैं आप कन्वर्जन करेंगे तो आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे जो बैलेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका प्रीमियम में चला जाएगा एंटी बैलेंस हो जाएगी ठीक हो गया जी तो ये आपका एंट्री जो है वो क्लोजिंग एंट्री भी हो जाएगी तो ये आपका खत्म हो जाएगा ठीक है जी वापस आते हैं यहाँ से हम बात कर रहे थे टू जीरो सेवन पे ठीक है जी आगे बात करते हैं ट्रांजेक्शन इन ऑन इक्विटी ट्रांजेक्शन ऑन इक्विटी की बात करता है।, कहता है, एक री है तो उसमें क्या होगा रीअक्वाय कर रही है इट्स ओन शेयर तो फिर क्या होगा सच शेयर आर कार्ड टई शेयर तो इसको आप क्या कहते हैं ये टई शेयर है शेयर बाई बैक को बात कर रहा है शेयर बाई बैक इसको बोलते हैं इसको हम टेरी शेयर भी कहते हैं अब क्या होगा जब कंपनी अपनी शेयर बैक करेगी तो कहता है द कंपनी माइट देन होल्ड ऑन द शेयर्स इट इशूज फॉर अ पर्टिकुलर सच एज अवार्डिंग परेयर्स टू एम्प्लाइज इन द शेयर एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई एफ एस टू की बात कर रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ द टेरी शेयर इज दैट दे शुड भी डिडक्टिव फ्रॉम द इक्विटी तो आप याद रखें कि इसको हमने क्या करना है इसको हमने इक्विटी से माइनस करना है इसको लाइब्रेरी में बनाना आपने जो शेयर्स बाय के ले लेने उस शेयर्स को आप क्या करेंगे आप कहेंगे ये आपका इक्विटी है इक्विटी से आपने इसको रिडक्शन करनी है एनी गेन और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन शेयर डायरेक्टली इन द इक्विटी तो अगर आपको फायदा हो जाता है या लॉस हो जाता है तो आपने उसको पी एन एल में नहीं ट्रीट करना उसको डायरेक्टली इक्विटी में ही ट्रीट करेंगे एंड शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड अदर कोउ्स है ओ सीआई में भी नहीं करना और पी एल में भी करना इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस जब आप शेयर बाई करेंगे अगर प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है उसको आप सीधे इक्विटी में करेंगे इक्विटी का मतलब क्या करेंगे उसको रिटेन अर्निंग में करेंगे ठीक है और उसको पी एन एल में या ओ सी में नहीं, नहीं लेके जाएंगे आई सेव टू रिक्वायर्स दैट द अमाउंट ऑफ टेरी शेयर हैड शुड बी डिस्कलोज सेपरेटली आइदर

कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहता है यार अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं अपने शेयर होल्डर से तो आई एस वन क्या कहता है वो कहता है ऑफसेट अनलेस रिक्वायर्ड एंड वो रिक्वाड्यूटर आई एस वन जो है आपको मना करता है कि ऑफसेटिंग ना करो लेकिन वो कहता है अगर ठीक है रेलिवेंट स्टैंडर्ड आपको ऑफसेटिंग के अलावा करता है तो आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक एक पार्टी रिसीवर से उसी पार्टी को मैंने पैसे देने तो मैंने उसको अकाउंट पेपर में शो किया हुआ तो कहता है अगर जो चीज़ आ रही है तो उसको नेट करके आप जो है जो चीज़ ज्यादा है वो पे क्यों नहीं शो कर देते तो मैंने कहा लाख रुपए लेना है उसको मैंने दस देना है तो वो कहता है आप नब्बे रिसीवेबल शो कर दो तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यही स्टैंडर्ड बताएगा कि कर सकते नहीं कर सकते हैं ट्रांजेक्शन और बैलेंसेज तो अपने देखना है हकीकत में अगर मैं ये चीज कर दूं तो क्या वो चीज मिस गाइड तो नहीं करेगी शेयर होल्डर को अगर वो चीज शेयर होल्डर को मिस गाइड करती है तो फिर मैं नहीं कर सकता

अब मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल देता हूँ इसकी आप कैसे कर सकते हो हम बात करते हैं लीगल राइट्स की तो लीगल राइट्स की अगर बात करें कि लीगली आप कैसे ऑफसेट करेंगे लीगल जो है मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इन चीजों को ऑफसेट कर सकता हूं अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर मैंने केपीआई रखा मेरा केपीआई पी था मैंने कहा देखें जी आप काम करें और मैंने आपको जब आप काम खत्म होगा तो आपको एक मिलियन पे करूंगा ठीक है जी लेकिन मैंने कहा यार देखो मैं इस पर मैं चेक करूंगा अगर आपका काम थोड़ा सा खराब हुआ तो मैं क्या करूंगा मैं आपसे फाइव फाइव परसेंट जॉब डिडक्शन कर लूंगा मैंने पाँच परसेंट का के पे रखा हुआ इसके अंदर अब क्या होगा जब ये काम खत्म होगा तो मैं मैंने आपको एक महीने पे करना है मैं कहता हूँ ना जी आपने काम पूरा नहीं किया मुझे तो पाँच परसेंट डिडक्शन करनी है तो अब क्या करूंगा मैं पाँच परसेंट डिडक्शन करके बाकी आपको पे करूंगा तो यहाँ पर मैं लीगल हूँ तो यहाँ पे मैं सेटअप कर सकता मैं ये नहीं करूंगा मैं कहूंगा ये एसेट्स में जो है वो मैं क्रेडिटर जो है वो मैं क्रेडिट में क्या करूँ क्रेडिटर में एक महीने का शो कर दूँ और फिर मैं जो है वो रिसीवेबल जो है अकाउंट रिसीवर जो है वो आपसे पाँच परसेंट इसका शो कर दूँ इस तरह की जरूरत नहीं मुझे मैं लीगल एड्स हूँ मैंने के पी रखा हुआ ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है कि जना मैं आपको जो है नेट करके पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कहता है आपको ये पाँच परसेंट शो करने की जरूरत नहीं है अब यहीं से जो है पाँच परसेंट माइनस करके जो है बाकी को जो है वो अपने करेक्टर दिखा सकते हैं इसको आप सेटअप कर सकते हैं इस 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 कंडीशन में आप क्या करेंगे अपने आप अपने रिसीवर्स एंड पेबल्स को जो सेटअप करके दिखा सकते हैं ठीक है जी एक एग्जाम्पल वो लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए दूसरी एग्जाम्पल मैं क्या लेने लगा मैं बैंक की लेता हूं एक अब बैंक ने क्या किया बैंक के पास आपका डेबिट अकाउंट चाह रहा था आपने आप आपके डिपॉजिट अकाउंट है आपके डिपॉजिट अकाउंट में एक लाख रुपया पड़ा हुआ है आपने बैंक को डिपॉजिट दिया हुआ है बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया अब क्रेडिट कार्ड पे आपने लिमिट यूज कर ली पचास हजार की तो बैंक ने क्या किया बैंक ने एक तरफ जो है आपसे आपको जो है पेबल दिखाया हुआ है ठीक है न पेबल दिखाया हुआ और दूसरी तरफ आपसे उन्होंने रिसीवल दिखाया हुआ क्या इसको बैंक सेट ऑफ नहीं कर सकता बैंक को क्या जरूरत पड़ी कि एक तरफ जो है वो लाइब्रेड दिखाई एक लाख रुपए की उसने आपसे एक लाख लाख लिया हुआ है आप, वो आपको वापस करना है दूसरी तरफ आपने उसका क्रेडिट यूज किया पचास हजार का तो वो आपको रिसीवेबल दिखा रहा है तो स्टैंडर्ड यहाँ कहता है अगर लीगल है तो आप इसको सेट सेटअप करके आप जो है नेट नेट सेल में जो है वो पचास हजार जो है वो रिसीवेबल दिखा सकते हैं पेबल दिखा सकते हैं सॉरी तो ये आप लीगल राइट्स कब आएंगे आपके पास तो वो कहता है लीगल राइट्स कब आएंगे जब आपको जो मैं, मैं जब मैं मैं कस्टमर हूँ मैंने बैंक को लिख के दिया हुआ यार देखो जब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूंगा इसकी पेमेंट मैं आपको नहीं करूंगा आप मेरे अकाउंट से काट लेना तो यहाँ पे बैंक के पास लीगल राइट्स आ जाएंगे वो क्या करेगा वो उस खास का उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच से क्या करेगा वो आपको जो है वो पचास हज़ार जो है वो नेट करके दिखाएगा वो सेटअप कर सकता है क्योंकि उसके पास लीगल राइट्स आ गए मैंने उसको तो लिख के दिया हुआ है

तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली जाए तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कमीशन एजेंट है वो कमीशन एजेंट क्या करता है वो कमीशन पे काम करता है मैंने मैं कमीशन एजेंट हूँ मैंने मैंने आपसे चीज़ दी उसको कमीशन में बेचा अब मैंने आपसे चीज़ दे कमीशन में बेचा अब वहां से मुझे पैसे मिले तो मैंने क्या करना है मैंने सारे पैसे आपको दे देने फिर मैं आपसे आपको जाऊँगा जैसा मुझे कमीशन दे दें दे, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा मैं क्या करूंगा मैं उससे पैसे दूंगा उससे अपना कमीशन काटूंगा बाकी पैसे आपको पे कर दूंगा तो यहाँ पे क्या है वो कहता है इंटेंट आईडो टू सेटल अमाउंट सेटल द अमाउंट नेट तो मेरी इंटेंशन क्या है इंटेंशन यही है भाई मैं अपने पैसे काट के आपको दूंगा अब मैं आपको टोटल पूरे पैसे दे दो फिर आप आपके आपकी भागता करूंगी सर मेरी कमीशन दे दो मुझे तो मैं ऐसा क्यों करूँगा तो मैं नहीं करूंगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कहता है आपने कॉन्टैक्ट कैसे किया हुआ कमीशन एजेंट ने कॉन्टैक्ट कैसे किया हुआ है कि भाई मैं पैसे लूंगा उसमें से अपने काट के आपको दे दूँगा तो यहाँ पर अब लीगल राइट्स है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मैं मैं ये मैं मैं ये करूँगा ये शो करूँगा कि जनाब मैंने एक लाख रुपये लिया तो आपको देना है एक लाख लैबे की शो कर देता हूँ फिर मैंने आपसे जो है वो दस हज़ार कमीशन लेना था दस हज़ार ऐसे शो करता हूँ जरूरत नहीं यहाँ पे

एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे ये यह है कि मैंने गवर्नमेंट से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट ने कहा यार मेरे दो बंदे रख लो मैंने कहा ठीक है मैं रख लेता हूँ लेकिन मैं पे पेमेंट नहीं करूँगा सैली गमेंट का हाँ सै, इसकी सैली आपको ट्रांसफर करने का पे इनको पे कर देना अब एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि मैं एक सैली पेपर शो करता हूँ थर्टी दिसंबर आया मेरी अकाउंट क्लोज हुए मैंने सैली पेपर शो किया दो बंदों का जनाब इनको सैली पेपर में आ गया और मैंने क्या किया गया एकदम एक दूसरे रिसीवर शो कर लिया कि गवर्नमेंट से पैसे आने और इंटेंशन क्या है कि जब पैसे आएंगे इनकी सैली पे होगी

ठीक है चलिए आगे जाते हैं <laughs> नोट की बात है। करता है कहता है द एक्सटेंशन ऑफ द लीगल राइट्स टू सेट ऑफ द कैश बैलेंसेस ऑफ वन अकाउंट विद द ओवरड्राफ्ट अनदर अकाउंट इनसफिशिएंट ऑफ ऑफसेटिंग इज टू बी अलाउड द कंपनी मस्ट एडिशनली शो इंटेंट टू सेट द बैलेंस नेट एंड दिस लाइकली टू बी रियल प्रैक्टिस

अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करता है कहता है डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड इन अ जनरल मीटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर्स द डिविडेंड कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर डिविडेंड आर पेबल ओनली आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू द कंपनी बट नॉट प्रॉफिट टू द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स डिविडेंड्स आर पेड बाय इंडिविजुअल एंटिटीज व्हेन अ ग्रुप अनाउंसेस दैट इज पेइंग द डिविडेंड इट इज एक्चुअली पेमेंट ऑफ द ठीक हो गया जी सारी बातें यहाँ पे होगी इसकी एकस 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 आ गई क्या कहता है जनाब पी एक्ट एसेंट एसेंट शेयर किए कितना पे हमने पे आपने आपका आपका चेस्ट कंसिलेशन है ठीक है एट्टी परसेंट तो आपका कंट्रोल आ गया सब्सिडी बन गई आपकी तो आपका पीसी हमने कितना पे किया दो लाख तीस हजार पे किया जब आपने पे किया रिटेन प्रॉफिट जो एस का था वो कितना था एक लाख था रिटेन प्रॉफिट था यह पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है और करंट ईयर प्रॉफिट आपका तीन लाख है तो आपने आपका इफेक्ट कहाँ पे आएगा देखिए तीन लाख में से आप पिछला माइनस कर दो उस पर आपका राइट्स नहीं है तो आपके दो लाख पे आपका राइट्स है तो उसका एटी परसेंट जो है आप अपनी कंसोलिडेशन में ऐड कर लेंगे जो पी का रेडियन प्रॉफिट है वो जो है वो कितना है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है आपकी जिसमें आपका अपना प्रॉफिट जो है वो चार लाख है और कितना आप सबसे भी आपका कितना शेयर है उसमें आपका शेयर जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एट्टी परसेंट आप ले लेंगे तो वो आपका शेयर है तो ये आपका जो है वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पे ये ये स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए अब इंटरप्रिटेशन तो इसकी इसकी आई हुई है उसमें इफेक्ट जो है वो टू और इफेक्ट जो है 70 जो हम बात करेंगे इफेक्ट जो बात करेगा वो बात करेगा मेंबर शेयर्स एंटिटीज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स तो यहाँ पे वो जो कॉपोरेट एंटिटीज क्या होती हैं और मेम्बर शेयर इन कॉपरेट तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं मेम्बर शेयर्स इन कॉपरेटिव ये कॉपरेटिव क्या होता है पहले इस थोड़ा थो सा हम पूछे कि ये क्या चीज़ है तो ये जो चीज़ है सर इसको हम कहते हैं कॉपरेटिव क्या होता है ये आपकी जो है वो एटोनोमस जो है वो एसोसिएशन पर्सन है एओपीए जो इंडिपेंडेंट होते हैं ठीक है जी हमने यहाँ पे देखना क्या है हमने ये देखना है कि जो मेंबर का शेयर है कॉपरेटिव कॉपरेटिव के अंदर एओपी में जो इसका शेयर्स है वो हम एज ए लाइब्रेरी बुक करें या उसको एज ए इक्विटी बुक करें बस ये हमने देखना है ये पर्सनल जो है, वो मैं का है, है? क्या होती जो है, वो ए, uh, है, जो वो इंडिपेंडेंटली काम करती है ठीक है जी उसके अंदर हम देखेंगे जो मेंबर्स का शेयर्स है उस member को जो शेयर्स है उसको हम एज ए इक्विटी बुक करें या उसको एज ए लाइब्रेरी बुक करें बस ये हमारे बाइफिकेट इस, 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 इसको, इसको करना है

पे उसका एसेट बन जाएगा तो उसके पास दोनों राइट्स हैं या तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले वो उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर ले अब उसको कंपनी कैसे करेगी वो हम देखते हैं इश्यू क्या है इसके अंदर इशू ये है जराब आई टू गिव द गाइडेंस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रोमेंट एज फाइनेंशियल लाइब्रेट और इक्विटी तो वहाँ पे हमने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की इक्विटी बात की हुई थी कि हम इसको कैसे कंपेयर कवर्ट करेंगे टू इक्विटी एंड इन टू लाइब्रेटी द गाइडेंस कवर इंस्ट्रूमेंट अलाउ द होल्डर टू पुट दो इंस्ट्रोमेंट टू एश्योर फॉर कैश और अन फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट पोर्टेबल पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो पोर्टेबल इंस्ट्रमेंट होते हैं कि नॉर्मली अब जब, जब कंपनी शेयर इशू करती है वो नॉन पोटेबल होते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिया वो कभी बाई ब नहीं करेगी लेकिन कभी कभी कंपनी ऑप्शन दे, दे देती है अपने होल्डर को चल ठीक है आप शेयर को परचेज कर ले और तीन साल बाद आगे हमें हमें बेचना हम उस, उस प्राइस पर तो उसको शेयर वो जो है वो बाई बैक कर लेंगे तो उसको बोलते हैं ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है ठीक है तो नॉर्मली ये तो होता नहीं है कंपनी जिस नाम टेरी शेयर भी पढ़ के आए शेयर बाई बैक तो वहां पर ये ऑप्शन अगर होगी तो उसको बोलेंगे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स से एफेक्ट रूल्स ग्लेन क्या करेगा होटू रिडम्पशन टर्म शुड बी एवरेटेड इंटरटेंमेंटली वेदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लासिफाइड एस लाइब्रेरी और एस इक्विटी तो यह एफेक्ट में बताएगा कि हमने जो है वो जो मेंबर शेयर्स जो है मेंबरशिप के इन्वेस्टमेंट साइंस के अंदर वो आपकी, आपकी इक इट्सल्फ मीज दट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मस्ट भी क्लासीफाइड एज फाइनेंशियल लाइब्रेटी तो उसके बाद जो राइट्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको राइट्स लिए हुए हैं वो कभी भी आपसे आप कैश मांग लेगा या आपसे कहेगा शेयर दे दो कंपनी के तो उसकी बेस पर आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी फाइनेंशियल लाइब्रेटी है या फाइनेंशियल या आपकी इक्विटी है एंड एंट्री मस्ट कंसिडर ऑल ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स टू डिमेंट इस क्लासीफिकेशन इंक्लूडिंग

उसके पास अनकंडीशनल राइट हैं कि आप उसे कैश मांगेंगे मैं आपको नहीं दूंगा तो मैं आपकी इक्विटी बुक करूंगा लॉ <coughs> तो लोकल लॉ के मुताबिक वो कोई कंडीशन बगैर कैसी कंडीशन के जो है उसके रिडम्पन रोक सकते हैं तो आप कहेंगे आपकी इक्विटी है तो ये तीन कंडीशन है जिसमें आप कहेंगे कि यह जो है आपने जो मेम्बर शेयर हैं वो आपकी इक्विटी है वो आपको इक्विटी शोर करेंगे कहते हैं एक्स कोऑपरेटर है एक, एक चार्टर विच अलाउस ऑफ मेंबर शेयर पास at at, at, at uh, disc, uh, है राइट हैं लेकिन किसी ने अगर, अगर, अगर डप्शन की तो कंपनी का भी इसको रिफ्यूज किया किस सूरत में आप क्या करेंगे उसको शेयर बुक करेंगे या इक्विटी बुक करेंगे वो कहता है जनाब उसको आप इक्विटी ही बुक करेंगे

सॉरी कुछ इंटरप्शन हो गया था यहां पे ठीक तो है, अच्छा है।, है जी तो ये जरा ये पॉइंट इंपोर्टेंट है मैं इस वायलेट कर देता हूँ अच्छा ये बताएं जी इक्विटी एक लाइबिलिटी है कहता द कोऑपरेटिव हैज अ चार्टर व्हिच अलाउज रिडम्पशंस ऑफ मेंबर शेयर्स एट सोल डिस्क्रिशंस ऑफ द कोऑपरेटिव ठीक है जी तो सोल डिस्क्रिशन किसकी है

उटल रेगुलेशन तो उनकी करेंगे इक्विटी हो नहीं होगा आगे कहते हैं अनकंडीशनल प्रोबेशन में भी अब सलूट होगा पार्शल होगा तो उसमें क्या होगा पढ़ लीजिएगा ठीक है जी सारी बातें डिस्कस हो चुकी है अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसे

ठीक है जी अंडर आई एस फाइव में जो है हमने कुछ हेल्ड फॉर सेल किया हुआ है या अपने बिजनेस से हमने अंडर आई एस आई एस थ्री किए हुए हैं उसकी चॉइस है तो क्या सेटल करेगा आई एफ इज ओनली डिस्ट्रीब्यूट ओनली ओनली टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अलाउ ऑनर द सेम क्लास ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टू बी ट्रीटेड एज इक्वली तो वो कहता है ये आपकी सेम क्लास है इसको आपने जो है वो इक्विटी ट्रीट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे

थी, तो तो कर लें कि जब भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आप एसेट्स एसेट्स को क्या करेंगे को ले आएंगे, उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब क्या होगा कि जब आपके फेयर वैल्यू आप लेके आएंगे तो आपकी शो कैरिंग अमाउंट भी पड़ी होगी बुस के अंदर उसका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या पी एन एल में जाएगा आगे बात करते हैं इफ़ द ऑनर वैल्यू ऑफ ईच एंड एसोसिएट प्रोपेट ऑनर ठीक हो जाएगी सब चीज़ वेरिमेंट कैसी होगी सब इसकेमें इसको आप रिव्यू करेंगे रिव्यू करेंगे डिफरेंस आएगा डिफ्रेंस का जाएगा वो इक्विटी में जाएगा ठीक है जी और बाद में जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगी डिफरेंस आएगा वो पी एंडल में जाएगा ठीक है जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब जो डिफरेंस आएगा उसको आप कहाँ चार्ज करेंगे उसको आप चार्ज करेंगे पी एंड एल में लेकिन आप जो उसको हर साल जो उसको उसकी फेवरिंग को रिव्यू करेंगे वहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसको आपने इक्विटी में चार्ज करना है ठीक हो गया जी बाकी इसके कुछ डिस्कलोयर्स हैं आप देखिए देख चीसमें कैसे इसको प्रेजेंट करना है बनेशीन में कैसे इसको डिस्कलोयर देना है आपने एंड फाइनली जो है लास्ट टॉपिक इसका जो है वो आ गया है आई एफ एस सेवन में इसमें डिस्क्लोजर है ठीक है जी इसे तो डिस्क्लोजर आप पढ़ लीजिएगा इसमें कैसी बात नहीं है बस इसमें जो है वो एंड पे जो है वो त्याया हुआ रिस्क के बारे में तैया हुआ वो आप सब देख लीजिएगा इसमें जो है आपके रिस्क जो है वो कितने किस्म के होते हैं ठीक है इसके डिस्क्लोजर कैसे देने आपने ये रिस्क है आपके तो वहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है रिस्क कितने किस्म के हैं आपके आपके पास क्रेडिट रिस्क है आपके पास लिक्विडिटी रिस्क है और आपके पास फाइनल जो है वो आपका मार्केट रिस्क है तो इसको आपने डिस्कलोज करना है इसको आपने इसको आप क्वान्टेटिव भी डिस्कलोज करेंगे क्वान्टिटेटिव भी आप डिस्कोयर देने हैं और क्वालिटेटिव भी आपने डिस्कलोयर देने हैं ये हैं ठीक है लेकिन तो आपको बताना है कि यार मेरे भाई ये रिस्क है मैंने क्या किया इस ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि आपने क्या किया आपने जो है वो मनी ली हुई है और आपके पास पैसे नहीं है आपको पता है यार मैंने दस रुपये लेने हैं मुझे दस रुपये नहीं मिलेंगे मुझे आठ रुपये में मिलेंगे तो आप डिस्कलोज करते हैं यार ये कि मेरे इसमें क्रेडिट रिस्क है उसके बाद आप आप लिक्विडी रिस्क देख लें लिक्विड रिस्क क्या कि मैंने पेमेंट करनी है मेरे मेरे पैसे नहीं पेमेंट करने के लिए तो आपको डिस्कोज करने या पेमेंट आ गई है पैसे नहीं है तो आप डिस्कलोज कर दें मार्केट रिस्क क्या मार्केट रिस्क ये आएगा बाद में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा एक्स रेट चेंज हो जाएगा मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी तो वो आपने शो करना है तो ये आपने सब डिस्क्लोज देने है इस तो ये सब आप इसको रीड कर लीजिएगा ठीक है तो ये सर आपकी जो है वो टॉपिक खत्म हो गया नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो इनशाला हमारा आएगा इंप्लाई बेनिफिट्स उस पर हम बात करेंगे लेकिन आ, जो है इसमें एक सेक्शन रखेंगे इस से और एक एक क्लास को रखेंगे उस क्लास में जो है वो आ, आपका जो है वो आ, पास पेपर आई कैप आपके जो है वो नेक्स्ट सेशन में इनशा मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी एक सेशन रखें हम एक क्लास करें और बुक के हिसाब से तो ये चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट खत्म हो गया और नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम जो है इम्प्लाई बेनिफिट जो है वो शुरू करेंगे आपको इसके उसके वगैरह कोई हो तो आप व्हाट्सअप पे भी उससे हम उससे पूछ सकते हैं या कोई टॉपिक आपको दोबारा आप चाहते हैं कि इसको रिवाइज किया जाए तो वो भी आप मुझे बताएं इंशाल्लाह जो है एक लेक्चर उस पर भी रख लेंगे और उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ कर देंगे ठीक है जी एट ए ग्लांस अगर कोई आप लेक्चर लेना चाहें लाइव क्लास दोबारा कोई करना चाहते हैं तो आप बताएँ हम इस पर एक लाइव क्लास और रख लेंगे अगर आप लोग आना चाहें तो तो इनशाला जी ठीक है जी तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जो है वो हमारा वो एम्प्लाई बेनिफिट पे शुरू करेंगे बीच में एक लेक्चर और रिपॉर्ट करेंगे जो आपके आई कैप के पास पर जो फाइनेशियल इंस्टूमेंट में आएंगे वो सारे में इकट्ठे करके उस पर तो एक लेक्चर करेंगे इनशाला ताकि आपको तो जो है इसके जो पता चल जाए एग्ज़ाम कैसे आता है ठीक है जी तो आप इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन आ तो आप कर सकते हैं तो अदरवाइज़ मुझे इजाज़त दें